आज सबसे पहले तो मैं अपनी मातृभूमि भारत के केरल प्रदेश के कालीकट में समुद्र के किनारे खड़ा हूँ। इस समुद्र के किनारे जो प्रकृति का वातावरण है, यहाँ पूरे भारत के ही नहीं विश्व के संपूर्ण टूरिस्ट यहाँ पर वास्को डी गामा की द्वारा खोजी गई ये भूमि है, यहाँ पर इस भूमि का दर्शन करने के लिए आते हैं। हमको भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ केरल के राज्य सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भेजा था और वो आज कार्यक्रम बहुत ही बृहद रूप में संपन्न हुआ। और उस कार्यक्रम के बाद आज मैं भी साक्षात इस मातृभूमि को और इस छटा को खुद भी देख रहा हूँ और आपको भी दर्शन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरे साथियों, कोई भी कवि लेखक रचना किया होगा तो प्रकृति के वातावरण में किया होगा, और जब तक प्रकृति साथ नहीं देती तब तक कवि का हृदय अपने शरीर के माध्यम से हाथ में कलम नहीं लेता। आज मुझे भी जरूर कुछ मंथन करने का समय मिला है और मैंने बहुत बारीकी से सोचा है कि वर्ण व्यवस्था में हम लोग शूद्र हैं और महाभारत हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। महाभारत में किताब अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, पांडु, धृतराष्ट्र ये ठाकुर थे, राजपूत थे। लेकिन कुछ वर्ष पहले जो टीवी पर सीरियल आया उसमें साफ लिखा कि कुंती यादव की लड़की थी। महाभारत की किताब में कुंती राजपूत की लड़की थी और टीवी सीरियल में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि कुंती यादव की लड़की थी। खैर, यादव की लड़की थी, कुंती ठाकुर की लड़की थी राजपूत की, इसमें मुझे बहस नहीं करना है। मान लेता हूँ या तो ठाकुर की नहीं तो यादव की, और हम ठाकुर यादव अर्जुन के तीर धनुष पर, भीम के गदा पर, युधिष्ठिर के धर्म पर, सहदेव की ज्योतिष विद्या और विद्वता पर घमंड करते हैं कि वाह मेरे खानदान में कैसे लोग धनुर्धारी थे, कैसे लोग गदाधारी थे। मेरे साथियों, लेकिन मैंने आज गहन रूप से महाभारत का अध्ययन किया तो पता चला कि राजपूतों के साथ साथ, राजपूत ही मान लीजिए कि आप शूद्र हैं, आपके साथ भी और यादवों शूद्रों के साथ भी महाभारत की किताब में सिवाय हमारे अपमान के अलावा कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, अर्जुन धनुर्धारी थे, भीम गदाधारी थे, धृतराष्ट्र के 100 लड़के थे, लेकिन मेरे दोस्तों, शूद्र की लड़की या ठाकुर की लड़की कुंती का क्या चरित्र है, कभी आपने सोचा है महाभारत की किताब में? सूर्य आया तो इधर से लड़का पैदा कर दिया, इंद्र आया तो इधर से बलात्कार कर दिया, जमराज आया इधर से बलात्कार कर दिया। कहने का मतलब कि महाभारत के अंदर, महाभारत की किताब में या टीवी सीरियल जो चलाया उसमें इससे भी बड़ा अपमान हो सकता है कि चाहे ठाकुर की लड़की हो कुंती और चाहे
यादों की लड़की हो, क्या हमारी इज्जत यही थी कि जो जिधर से आया बलात्कार कर दिया? इससे बड़ा अपमान इस धरती पर भारत की संस्कृति के हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर धृतराष्ट्र जो पांडु थे वो धृतराष्ट्र थे, वो भी ठाकुर थे या यादव थे, और आप महाभारत की किताब को पढ़िए कि 100 भाई दुर्योधन भी अपने पिता का नहीं था। लिखा गया है कि वो सब किन्हीं न किन्हीं कारणों से बकरे की औलाद थे। तो क्या हमारे खानदान में बकरे के औलाद होते थे? क्या हमारे खानदान की लड़कियों का यही चरित्र था जो कुंती का चरित्र लिखा गया है? हम पाखंडवादियों से पूछते हैं, क्या इस तरीके से कभी तुमने भी अपने लड़कियों का चरित्र महाभारत, चार वेद, 6, 7, 18 पुराण के अंदर किया है? सिर्फ इन लोगों ने इसलिए किया कि इनसे आप नज़र नहीं मिला सकेंगे। नज़र मिलाने लायक तक नहीं छोड़े। जिस खानदान की लड़कियों का चरित्र यह लिखा गया हो, वो लिखने वाले से कैसे आंख मिलाएगा? बहुत मैं विस्तार में चाहता था बताना, लेकिन सिर्फ इतना मैं पाखंडवादियों से पूछता हूँ कि चाहे वो ठाकुर की लड़की रही हो, गांधारी या कुंती या धृतराष्ट्र और पांडु, पांडव और कौरव, क्या यही तुझे लिखने को महाभारत में था कि कोई भी अपने बाप का नहीं था, सब दूसरे की औलाद थे? क्या यही हमारा चरित्र है? मैं राजपूत के साथ साथ शूद्रों को आवाहन करूंगा, अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस सवाल का जवाब आप पाखंडवादियों से पूछें कि क्या उनके खानदान में इस चरित्र की कोई लड़की नहीं थी? अगर थी तो क्यों नहीं उसके भी चरित्र का वर्णन महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर, चार वेद, 6 सहस्त्र 18 पुराण के अंदर किया गया? अगर नहीं किया गया तो आखिर क्या हम ही जलील होने के लिए महाभारत में थे? हम इतने पर खुश हो जाएंगे कि अर्जुन बहुत धनुर्धारी थे, भीम गदाधारी थे, बहुत पंडित सहदेव थे, बहुत धर्म के लिए खड़े रहते थे धर्मराज, बस इतने से मेरा काम चल जाएगा? इसीलिए भोजपुरी में सब कहे कि लमेरा बहुत बहादुर होते हैं, बहादुर होते हैं। उन्होंने और किसी को नहीं कहा, सिर्फ हमारे लोगों के लिए कहा कि ये जब अर्जुन लमेरा था, भीम लमेरा था, नकुल लमेरा था, सहदेव लमेरा था, सभी कौरव और पांडव लमेरे थे। इन्होंने कहावत हमारे ऊपर चला दिया, अब भी समझ में नहीं आएगा तो आखिर कब समझ में आएगा? अगर कोई सवाल पूछे कि यह कहाँ लिखा हुआ है, तो जो लिखा है उसी का हमने एनालिसिस किया है। अगर कोई बहस करे, सीधे कह दीजिएगा कि ये काशीनाथ के महाभारत में लिखा हुआ है, वो भी महाभारत किसी आदमी ने लिखा है, और काशीनाथ भी आदमी है, वह भी इस महाभारत को बहुत सोच समझ करके लिखने जा रहा है, अपने लोगों को समझाने जा रहा है, अपने लोगों को समझने के लिए उत्प्रेरित करता जा रहा है कि आखिर हम कब तक अपमान सहेंगे। और सब चीज़ का मतलब एक ही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को संविधान दिए, तब से हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे। उसके पहले हमारा आदमी एक भी मनुस्मृति के इनके संविधान के अनुसार न पढ़ सकता था, न बोल सकता था, न भक्ति भजन कर सकता था, न लिख सकता था, न दान दे सकता था, न दान ले सकता था। ये सबके अधिकारी यही पाखंडवादी थे। लेकिन आज संविधान है, अगर नहीं समझे भारतवासियों, तो एक बार तो महाभारत लिखा गया, मैं बता रहा हूँ अपने अपमान को, कल जो महाभारत लिखा जाने वाला है नए पार्लियामेंट में, शायद हम 5000 साल पीछे जाने वाले हैं। अगर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो सारे संविधान को मिटा करके, लोकतंत्र को मिटा करके, आपने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने
जिन पर रेट डाला है उन्हीं से चंदा लिया है, जिनको ठेका दिया है उनसे चंदा लिया है। यहाँ तक कि जो वैक्सीन हम लोगों को लगाई जा रही थी उस समय कोरोना के समय में, उस कंपनी ने भी 500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसीलिए इन सबों ने जबरी कहा कि वैक्सीन लगाना जरूरी है वरना कोरोना हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा ही महाभारत फिर लिखा जाए? क्या आप चाहते हैं कि फिर मनुस्मृति लिखी जाए? क्या आप चाहते हैं कि हम शूद्रों के कमर में झाड़ू और गर्दन में हाँड़ी बांधी जाए? क्या चाहते हैं कि हम जानवर से भी बदतर स्थिति में चले जाएं? मेरे दोस्तों सावधान, चुनाव का ऐलान हो चुका है। मेरे भारत के शूद्रों, पीडीए के साथियों, इंडिया गठबंधन को वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी की जब्त कराइए, ताकि आने वाले समय में पूर्णतः संविधान लागू हो और हम अपना महाभारत लिख सकें, अपना रामायण लिख सकें, अपना वेद लिख सकें और अपने सम्मान के लिए तमाम तरह की योजना बना करके हम भारतवर्ष में काम कर सकें। इसी उम्मीद के साथ कि नया हमारा महाभारत हो, नया हमारा रामायण हो, नया हमारा सम्मान हो, संस्कार हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए हम अपने सम्मान की रक्षा करें। भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, केरल में हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नस्तनाबूद करने के लिए केरल की जनता इंडिया गठबंधन के तरफ खड़ी है। रह गई बात जहाँ के हम हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीट है और 80 की 80 लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है 50 से ऊपर, 60 से ऊपर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और जो भी सीटें कांग्रेस को दी गई हैं वे सारी सीटें गठबंधन की जीत रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर कहीं अता पता नहीं है। इसलिए अपने वोट की रक्षा कीजिए। जो अपने वोट की रक्षा नहीं कर सकता अपने बेटी बहन की भी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए अगर यही हथियार है पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री की कुर्सी लेने का, तो साथियों बाबा साहब ने कहा कि जिसका वोट अधिक होगा उसी का देश होगा। बहुत अफसोस है कि वोट हमारा राज्य उनका, हमारा वोट हमारा राज्य हो, हमारा देश हो, यह प्रधानमंत्री की कुर्सी पीडीए की है। इसलिए निवेदन है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराते हुए, इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनाते हुए नया महाभारत और रामायण लिखने के लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करें। जय हिंद, जय